अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है अगेन हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो पिछली दो लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हम उसको आगे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये पढ़ा था हमने कि जो हीट है वो कंजर्वेटिव होती है, या एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है, सेम रहती है। बस फर्क क्या होता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, वो कन्वर्ट होती है। तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि कंजर्वेशन तो हो रही है एनर्जी की, और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, लेकिन सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होना या एनर्जी कंजर्व होना काफ़ी नहीं है। तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ये बात मैटर करती है कि जो हमारा प्रोसेस है वो किन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। हर प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, हर प्रोसेस के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और हर प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोसेस जो लॉस ऑफ नेचर को जो है वो फुलफिल करेंगे, सिर्फ उनके अंदर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगी। हर प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। अगर ऐसा प्रोसेस हो कि कप है या ग्लास है, उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है और ग्लास नीचे गिरता है ऊपर से, और वो क्या होता है, टूट जाता है, और टूट के उस ग्लास के पीसेस हो जाते हैं और साथ ह्यूज नॉइस प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोसेस होना, इस तरह से प्रोसेस होना, इन स्टेप्स के थ्रू प्रोसेस होना पॉसिबल है, और है मालूम है ये बिल्कुल ऐसा होना पॉसिबल है। तो हो क्या रहा है इस प्रोसेस के अंदर, ऊपर से ग्लास गिर रहा है नीचे ग्रेविटी की वजह से, और जब ग्लास गिरेगा तो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा, जो उसकी एनर्जी है नीचे गिरने की ग्लास की, वो उस ग्लास को जो है वो तोड़ रही है उसके पीसेस के अंदर, और साथ वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है नॉइस के अंदर। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जब ग्लास नीचे गिर गया और उसके टुकड़े हो गए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके वो पीसेस ग्लास के खुद ब खुद जुड़ गए और नॉइस जो है वो नॉइस जो है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाए दोबारा ग्लास को जोड़ने के अंदर, और ग्लास खुद बहुत उठ के ऊपर चला जाए और खुद बहुत ऊपर जाके वो जो है वो वापस जाके वहीं पे जाके जो है वो ग्लास रख लिया जाए जहाँ वो पहले मौजूद था। तो मालूम ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे अब मूवीज़ के अंदर देखते हैं ना कभी कि कोई चीज़ है वो टूट गई, फिर एक साथ वो खुद बहुत जुड़ गई, फिर वो ऊपर जाके खुद बहुत जाके उस जगह पे वो वापस वहाँ पे जाके ये प्लेस हो गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके सामने ये तस्वीर है उसमें बता रहे हैं कि जो इसका ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ये वाला, इस डायरेक्शन में इन स्टेप के थ्रू ये प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स भी ये बोलता है कि जब हम कंजर्वेशन एनर्जी की बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना हर प्रोसेस के अंदर पॉसिबल नहीं होता, वो कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करता है जो स्टेप्स क्या हों लॉस ऑफ नेचर के लिहाज से हों, लॉस ऑफ नेचर को फुलफिल कर रहे हों। तो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट अबाउट विच प्रोसेस अकर एंड विच डू नॉट। अगेन वही बात आ गई कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें बताता है कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा नहीं होगा। देयर आर मेनी वेज टू स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहना बहुत सारे तरीके हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट करने के, यानी इसको इसकी स्टेटमेंट के। तो उसमें जब हम देखते हैं यहाँ पर हम जो है उसके दो मेजर जो है स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक केल्विन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे सेकेंड लॉ का, और एक हम पढ़ेंगे क्लॉसियस का। तो नंबर वन आ जाए केल्विन स्टेटमेंट के ऊपर। तो जो केल्विन का स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का, तो केल्विन कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विच टेक्स हीट फ्रॉम हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इन टू वर्क विदाउट हैविंग अ हीट सिंक और लोअर टेम्परेचर। तो आपको मालूम है कि दो दो बॉडीज होती हैं, एक होता है सोर्स एक होता है सिंक। सोर्स वो बॉडी होती है जहाँ से जो है हमारे इंजन के अंदर हीट, इंजन के अंदर जो है वो हीट मिल रही होती है। सोर्स क्या है, जिस वो बॉडी जो जरिया है हीट को प्रोड्यूस करने का, हीट को देने का हमारे इंजन को, हमारे साइकिल या हमारे कार्नट साइकिल को। सेम हीट सिंक होती है। सिंक क्या होती है कि जो एक्सेसिव एनर्जी होती है, जिसको जो एनर्जी इंजन इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो एनर्जी इंजन ज़ाया कर रहा है, वो एनर्जी जो है वो कहाँ जाकर ज़ाया होगी, वो ज़ाया होती है सिंक के अंदर। उसको बोलते हैं हीट सिंक, जो नॉर्मली क्या होता है हमारा हमारा जो है इर्द-गिर्द सराउंडिंग होती है। तो लेट्स से गाड़ी का इंजन है, जो गाड़ी का इंजन आप उसको रन करेंगे तो गाड़ी का इंजन हीट अप होता है ना, जब वो हीट अप होता है जो हीट एनर्जी उस निकलती है तो कहाँ जाती है, वो जाके जो वो एनर्जी जो है वो जाके डिजोल्व हो जाती है कहाँ पर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर, हमारे सराउंडिंग के अंदर। तो जो एनवायरमेंट हमारा जो सराउंडिंग हमारी वो क्या है, वो काम कर रहा है एज अ हीट सिंक, जहाँ पर हीट जाएगी और ये वो ज़ाया हो रही है।
और ये बात ध्यान रखिए, हमेशा जो हीट सोर्स होती है हमेशा वो हाई टेम्परेचर पर होती है, बिकॉज सोर्स से वहाँ से हीट आ रही है, और जो हमेशा हीट सिंक होती है क्या होती है, हमेशा वो लोअर टेम्परेचर पर होती है। और ये हाँ, इस चैप्टर के साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमेशा जो नेचर का असूल है वो ये है कि जो हीट एनर्जी है हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जब हम बात करते हैं सोर्स की और सिंक की, तो सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है और सिंक का टेम्परेचर लो होता है, तो हमेशा जो हीट एनर्जी है हमेशा फ्लो करती है, नेचुरली फ्लो करती है फ्रॉम हॉट सोर्स टू कोल्ड सिंक। ठीक है, तो जो केल्विन का स्टेटमेंट वो ये कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये बात पॉसिबल नहीं है कि हम सोर्स से एनर्जी लें और सारी सारी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लें वर्क के अंदर और कोई भी एनर्जी सिंक के अंदर जो है वो जाया ना हो। तो केल्विन कहता है कि बगैर हीट सिंक के, बगैर सिंक के हम इंजन को नहीं चला सकते। अगर हम किसी इंजन को ऑपरेट कराना है तो लाजमी जब सोर्स से एनर्जी लेंगे तो साथ साथ हमें उस इंजन के साथ हमें सिंक भी लगाना पड़ेगा, जहाँ पे हीट क्या हो, जो एक्सेसिव हीट होगी वो क्या हो जाके वो ज़ाया हो। या आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि केल्विन की स्टेटमेंट कहती है कि हम किसी जो हम सोर्स से एनर्जी ले रहे हैं हम उसको 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब सोर्स से एनर्जी ले रहे हैं उसको 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि कुछ ना कुछ एनर्जी का हिस्सा लाजमी जो है वो ज़ाया होगा और कहाँ जाएगा, सिंक के अंदर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी हम जब रियल केस की बात करेंगे तो हमारे पास किसी भी बॉडी का, किसी भी इंजन का 100% एफिशिएंसी नहीं होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हम उसको सारी एनर्जी दे रहे हैं वो सारी सारी एनर्जी को यूटिलाइज करके सारा सारा हमें वर्डन दे रहा है और कुछ भी एनर्जी उसके अंदर ज़ाया नहीं हो रही। ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आगे आ जाए तो ये आपके सामने एक इमेज है जो इसके लिहाज से है, केल्विन स्टेटमेंट के लिहाज से है। तो नोट करें, यहाँ पर हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, मतलब हॉट रिजर्वायर मतलब हाई टेम्परेचर सोर्स है, यहाँ से हीट आएगी, और यहाँ के पास कोल्ड रिजर्वायर है, मुराद ये क्या है, सिंक है जिसकी टेम्परेचर लो है। तो हीट आ रही है कहाँ से आ रही है, हॉट रिजर्वायर से हीट आ रही है। हीट जो है ऑब्वियसली फ्लो करेगी हॉट से कोल्ड की तरफ, तो हीट फ्लो करी है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। बीच में हमारे पास इंजन है, इंजन जो बेसिकली वर्क कर रहा होगा, तो हीट आ रही है हॉट रिजर्वायर से, उसका नाम देखने क्यू एच का, हीट कमिंग फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। उस हीट का कुछ हिस्सा, जो हीट आ रही है हॉट रिजर्वायर से, उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पर, वर्डन के अंदर। इंजन क्या कर रहा है, इंजन इस हीट के कुछ हिस्से को इस्तेमाल कर रहा है जो हॉट रिजर्वायर से आ रही है, और उसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, वर्डन के अंदर। तो हमें यहाँ से आउटपुट में क्या मिल रहा है, वर्डन। लेकिन जो इस हीट का है, इस हीट का जो हॉट रिजर्वायर से आ रही जो इनपुट है, इसका सारा का सारा हिस्सा जो है वो वर्डन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि इस हीट का कुछ ना कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, वो ज़ाया हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, वो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्यू सी। जो हीट कहाँ जा रही है, कोल्ड रिजर्वायर के अंदर। जो हीट कहाँ जा रही है, सिंक में जा रही है, सिंक हो रही है, ज़ाया हो रही है। ठीक है, तो जो इंजन है, जो हीट इंजन है, ये हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, बीच में हीट इंजन हमारे पास, हीट इंजन हीट ले रहा है हॉट रिजर्वायर से और उसको कन्वर्ट कर रहा है वो वर्क के अंदर। लेकिन सारी हीट इंजन जो हीट हॉट रिजर्वायर से आ रही है, वो सारी हीट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रही वर्क के अंदर, बल्कि कुछ ना कुछ हीट का हिस्सा लॉस हो रहा है कहाँ पर, कोल्ड रिजर्वायर के अंदर, सिंक के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ क्यू सी। अच्छा, फिर आपके पास जो है ये इसके राइट साइड में एक और डायग्राम है, तो इसमें फॉर्मूला दी गई एफिशिएंसी यानी कि इंजन की कितनी एफिशिएंसी है काम करने की, ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। तो क्या है कि जो हमारे पास एफिशिएंसी जो होती है, उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। जो हमारे पास इंजन का आउटपुट है, अगर हम उसको डिवाइड करो इनपुट से, तो उससे हम इन दोनों का रेशियो निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो हमारे पास इस डायग्राम में आप देखें, जो आउटपुट है वो क्या, वर्क डन है, डब्ल्यू है। जो आउटपुट हमारे पास वो क्या, वर्डन है, जो इंजन वर्डन कर रहा है वो क्या है, आउटपुट है, डब्ल्यू। डिवाइड बाई इनपुट क्या है, इनपुट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास हीट आ रही है हॉट रिजर्वायर से, ये क्या हमारा, ये हमारे पास इनपुट है। तो आउटपुट क्या है, वर्डन, जो हमें काम मिल रहा है इंजन से आउटपुट में, वर्डन आउटपुट हमारा, डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट क्या है, वो हीट जो रिजर्वायर से आ रही है, क्यू एच। ठीक है, तो वर्डन क्या होता है, वर्डन होता है हम अगर जो एनर्जी आ रही है हॉट रिजर्वायर से और जो एनर्जी लॉस हो रही है कोल्ड रिजर्वायर के अंदर, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो किसी को होगा, वर्डन के। तो जो एनर्जी हॉट रिजर्वायर से आ रही है उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है वर्डन करने के अंदर और कुछ हिस्सा ज़ाया हो रहा है इन फॉर्म ऑफ क्यू सी इन कोल्ड रिजर्वायर, सिंक के अंदर। तो जो एनर्जी ज़ाया हो रही है क्यू सी और जो एनर्जी सोर्स से आ रही है क्यू एच, अगर मैं क्यू एच में से क्यू सी माइनस कर दूं तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो किसके को होगा, वही को होगा वर्डन के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू एच इनपुट
माइनस क्यू सी हीट लॉस डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट क्या है क्यू एच। तो अगर ऐसा हो कि अगर आप देखें बिल्कुल राइट साइड पे जो के बस फिगर है जिसमें हॉट रिजर्वायर गिवन है, क्यू एच हीट इनपुट आ रही है और सारा कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन के अंदर, अगर ऐसा हो जाए तो ये आइडियल केस है। यानी कि अगर सोर्स से हीट आ रही है क्यू एच और सारी से हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क डन के अंदर, अगर ऐसा हो जाए तो ये आइडियल केस है, ये परफेक्ट हीट इंजन होता है, ऐसा हीट इंजन बन जाएगा इससे कि जो 100% इसकी एफिशिएंसी है और वो बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं कर रहा, तो ये आइडियल केस है, आइडियल सिनेरियो है, रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। अब चलते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जो हमारे पास है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस के जो स्टेटमेंट, जो क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया था वो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज द हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। कह रहा है ये इम्पॉसिबल है कि हीट फ्लो करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तरफ। ये ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, ये इम्पॉसिबल है कि हीट फ्लो करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तरफ विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क के, यानी कि बगैर किसी काम के खर्चे के या बगैर किसी एनर्जी के खर्चे के एक्सटर्नल। तो देखें आपको ये बात स्टार्ट में बता चुके हैं कि जो नेचुरल फ्लो है हीट का, हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हीट का नेचुरल फ्लो है, हीट हमेशा नेचुरली फ्लो करेगी कहाँ पर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तरफ। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमें अगर इसको उल्टा मूव कराना है, अगर हमें हीट को बजाय, हीट नेचुरली मूव करती है हॉट से कोल्ड की तरफ, लेकिन हमें उसी हीट को हमें उल्टा रिवर्स में मूव कराना है, अगर हमें हीट को मूव कराना है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, तो ऐसा करने के लिए क्या क्या होगा, हमारे पास हमें एक्सटर्नल वर्डन करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यहाँ पर खर्चा होगा एनर्जी का वर्डन का एक्सटर्नली। तो अगर हमें किसी हीट को अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर अगर हमें इसको मूव कराना है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हमें हीट को कोल्ड से लेकर जाना है हॉट बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्डन करना पड़ेगा, हम उसके लिए एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, हम उसके लिए एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और वर्क करना पड़ेगा, हमारा एक्सटर्नल खर्चा होगा एनर्जी का और वर्डन का। तो स्टेटमेंट है किसकी, क्लॉसियस की। तो ये आपको देखने मिलती है बहुत, ये स्टेटमेंट आपको ये देखने मिलती है कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये एप्लीकेबल है बहुत सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर, बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी रेफ्रिजरेटर। अच्छा देखें अब रेफ्रिजरेटर में देखें, रेफ्रिजरेटर में होता है क्या, रेफ्रिजरेटर जो है वो कूल होता है, रेफ्रिजरेटर कूल होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर जो है बेसिकली वो उल्टा काम कर रहा होता है। रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा होता है, जो अंदर जो उसका रेफ्रिजरेटर का जो इंटीरियर है अंदर है, जो बेसिकली ठंडा होता है एज कम्पेयर टू बाहर के जो हमारे पास सराउंडिंग है, वो क्या होती है, गर्म होती है ऑब्वियसली बात है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर जो है वो अपने इंटीरियर से जो कोल्ड है वहां से हीट निकालता है, और आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के नीचे कोने पे फैन लगा होता है, एग्जॉस्ट फैन टाइप का होता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वो हीट अपने अंदर से हीट निकालता है और वो थ्रू दूस एग्जॉस्ट फैन वो हीट क्या होता है बाहर निकालता है सराउंडिंग के अंदर। तो रेफ्रिजरेटर का जो इंटीरियर है वो क्या ठंडा है, वो कोल्ड बॉडी है, और जो रेफ्रिजरेटर के बाहर सराउंडिंग है, जो इर्द गिर्द है, जो इन्वायरमेंट है, वो क्या है, गर्म है, वो हॉट बॉडी है। तो रेफ्रिजरेटर उल्टा काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर अपने इंटीरियर से जो उसके अंदर कोल्ड है वहाँ से हीट निकाल रहा है, और उसको थ्रू विद द हेल्प ऑफ इट्स एग्जॉस्ट फैन उसको हीट को बाहर निकाल रहा है, कहाँ पर, हॉट बॉडी के अंदर, सराउंडिंग के अंदर। तो अब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ये काम कर रहा है, आप देखें ना यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, रेफ्रिजरेटर हीट को मूव करा रहा है फ्रॉम इंटीरियर कोल्ड बॉडी टू एक्सटर्नल सराउंडिंग हॉट बॉडी। तो रेफ्रिजरेटर ये काम करने के लिए एक्सपेंडिचर एनर्जी कर रहा है, रेफ्रिजरेटर बगैर बिजली ये काम नहीं करेगा। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर अगर मैं ऑन करूंगा तो रेफ्रिजरेटर बिजली को इस्तेमाल करेगा ये काम करने के लिए, हीट को मूव करने के लिए फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसका मतलब है कि बस क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन हो रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, द रियल रेफ्रिजरेटर्स रिक्वायर वर्क टू गेट हीट फ्रॉम हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड एरिया टू वार्म एरिया। कह रहे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनको वर्क करना पड़ता है बाहर से, वर्क कैसे करते हैं वो, बिजली के जरिए, जो हम तार लगाते हैं प्लग के अंदर और हम उसको ऑन करते हैं तो बिजली मिलती है रेफ्रिजरेटर को, उसके जरिए रेफ्रिजरेटर वर्क डन करता है, और रेफ्रिजरेटर वर्क डन करके क्या करता है, ये हीट को मूव करता है कोल्ड से हॉट के अंदर। तो ये जो रेफ्रिजरेटर वाली बात है ये एग्जैक्टली जो है ये वही बात है जो किसने की है, क्लॉसियस ने की है, कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। हमें हम हीट कोल्ड से हॉट की तो मूव नहीं कर सकते बगैर एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क के, बगैर वर्क के खर्चे के। तो यहाँ भी रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, बिजली इस्तेमाल कर रहा है, वर्क कर रहा है, तब जाके वो कन्वर्ट कर रहा है हीट को कोल्ड से हॉट की तरफ, सही है। हीट इंजन, तो जब हम बस हीट इंजन होते हैं, जब हम कोई भी नॉर्मली हीट इंजन देखेंगे
जो हीट इंजन होता है नेचुरली जो है वो उनका काम करने तरीका क्या होता है, जो हीट इंजन है बेसिकली क्या करते हैं, हम देख चुके हैं कि वो हमेशा वो इनका इनपुट कहाँ से मिलता है, हाई टेम्परेचर से, सोर्स से, हाई टेम्परेचर TH जिसे टेम्परेचर हाई हो, जो क्या कहलाती है, सोर्स कहलाती है। तो हमेशा जो इंजन जो नॉर्मली हीट इंजन होते हैं हमेशा वो काम कैसे करते हैं कि उनको इनपुट मिलता है कहाँ पर, सोर्स हाई टेम्परेचर से, जो इनपुट आ रहा है उसको यहाँ पर शो किया हमने QH से, और वो उस हीट का कुछ हिस्सा जो इनपुट आ रही है फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स से उसको कन्वर्ट करते हैं वो ऑर्डर के अंदर, जो हमें काम मिल रहा है आउटपुट की सूरत में, और बाकी हीट का कुछ हिस्सा जो है वो क्या होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो जो है वो ज़ाया हो जाता है कहाँ पर, लो टेम्परेचर में, जिसको बोलते हैं सिंक, जिसका टेम्परेचर क्या है TL, लो टेम्परेचर है। तो जो नॉर्मली हीट इंजन हमारे काम करते हैं हमेशा उनका काम का तरीका नॉर्मली सेम होता है, नेचुरली सेम होता है कि हाई टेम्परेचर हीट आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है वर्डन के अंदर, और बाकी जो हीट का हिस्सा है वो ज़ाया हो रहा है कहाँ पर, लो टेम्परेचर सिंक के अंदर। मतलब नॉर्मली जो हीट इंजन होता है उनकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, 100 से हमेशा लो होती है रियल केस के अंदर। लेकिन बात कर रहे हैं हम रेफ्रिजरेटर्स की, तो रेफ्रिजरेटर हम देख चुके हैं अभी पिछले स्लाइड्स में कि रेफ्रिजरेटर जो है वो उल्टा काम करता है। रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट लेता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, सोर्स से, जो सॉरी सिंक है हमारा। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो जो रेफ्रिजरेटर का इनपुट है वो कहाँ से आता है, वो लो टेम्परेचर से आता है, सिंक से आता है। तो इनपुट उसको मिलता है लो टेम्परेचर सिंक से, और उस हीट को लेने के लिए, उस हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर सिंक से हीट को अंदर लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए रेफ्रिजरेटर को क्या, रेफ्रिजरेटर को काम करना पड़ता है। अब यहाँ रेफ्रिजरेटर को काम करना पड़ेगा विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, रेफ्रिजरेटर खुद काम करेगा और उसको उसमें काम करने में उसका खर्चा होगा, उसकी एनर्जी इस्तेमाल होगी, और देन उस रेफ्रिजरेटर काम करेगा, हीट लेगा फ्रॉम लो टेम्परेचर सिंक और उसको कन्वर्ट करेगा हाई टेम्परेचर सोर्स के अंदर। तो रेफ्रिजरेटर उल्टा जो है वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल अपोजिट होता है। आम हीट इंजन जो है वो आउटपुट में वर्क डन देते हैं, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है वो उसको जो है वर्डन खुद से करना पड़ता है, उसका एनर्जी खुद से इस्तेमाल करनी पड़ती है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ताकि हीट ट्रांसफर हो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कार्नट इंजन, अब कार्नट इंजन जो है बेसिकली वो एक तरह की हीट इंजन है, लेकिन कार्नट इंजन कैसा हीट इंजन है जो आइडियल है। अब यहाँ जब हम बात करते हैं कार्नट इंजन की, तो बेसिकली मतलब हम बात कर रहे हैं एक आइडियल हीट इंजन की, और एक आइडियल हीट इंजन क्या होता है जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। हाँ, जब नॉर्मली एक नॉर्मली आम हीट इंजन की बात करेंगे, हम रियल केस की बात करेंगे, तो जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती, ऑब्वियसली बात है, हीट लॉस होता है सिंक के अंदर। लेकिन जब भी बात आएगी कार्नट इंजन की, तो ये हम बात कर रहे हैं एक आइडियल सिनेरियो की। तो कार्नट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, इसको इन्वेंट किया था, इसको गैस का आइडिया दिया था थ्योरेटिकली इस इंजन का फ्रेंच साइंटिस्ट सादी कार्नट ने, तो उसी के नाम पर इसका नाम हमने रखा है कार्नट इंजन। ठीक है, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मली जो आम इंजन होते हैं उनके अंदर हीट लॉस होता है, लेकिन कार्नट इंजन एक आइडियली थ्योरेटिकल एक आइडियल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। अच्छा, जो कार्नट इंजन होता है बेसिकली वर्क करता है एक साइकिल के अंदर। साइकिल क्या होती है, अगर हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, हम आफ्टर फ्यू स्टेप्स हम घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, वो तो एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। तो कार्नट इंजन जो है बेसिकली जो कार्नट इंजन है वो काम करता है इन साइकिल, एक साइकिल बनाता है पूरी। तो जो कार्नट इंजन है, जब उसको आप जिस स्टेप से स्टार्ट करेंगे, एट देन वो वापस आके उसी स्टेप पे एंड करेगा। मतलब क्या है, जो उसकी एनर्जी शुरू में थी वही उसकी एनर्जी क्या होगी, वो आखिर में होगी, यानी कि उसकी एनर्जी क्या टोटली क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो जो वर्किंग प्रोसेस है कार्नट इंजन का, उसको हम बोलते हैं क्या, कार्नट साइकिल। जो हमारा कार्नट इंजन होता है वो किस प्रोसेस थ्रू काम करता है, तो वो एक साइकिल होती है, और उसको हमने क्या नाम दिया, उसका नाम दिया हमने किसका, कार्नट साइकिल का। तो द कार्नट साइकिल वाज स्टेटेड टू एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, इट इज आइडियलाइज, इट हैज नो फ्रिक्शन, आइडियलाइज है, हमने कोई फ्रिक्शन नहीं रखी हुई इसमें, बिकॉज आइडियल केस है, और इसमें हर स्टेप क्या है उसका, रिवर्सिबल है। तो जो कार्नट साइकिल है बेसिकली ये 4 स्टेप के अंदर होती है, और जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, वो सेम होती है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। क्यों, बिकॉज हमने एक आइडियल सिनेरियो लिया है, हमने ही बोला कि हमारा जो कार्नट इंजन होगा, कार्नट साइकिल होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल फ्रिक्शन लेस होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं कार्नट इंजन की, चलो इसको पहले देख लें कि जो हमारा कार्नट साइकिल है कंसिस्ट होती है 4 स्टेप्स के। एक है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर एक है थर्मल कंप्रेशन, फिर एक है एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये एसी ऑर्डर में होती है।
तो कार्नोट साइकिल का जो पहला स्टेप होता है, होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप लोगों ने आइसोथर्मल पहले पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है आइसोथर्मल, यानी जिसमें क्या हो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। तो जो पहला प्रोसेस होता है कार्नोट साइकिल का, वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि इस कार्नोट साइकिल जो होती है उसका अंदर वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, इस तरह के टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। फिर सेकेंड है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो सेकंड स्टेप के लिए हम कार्नोट इंजन को प्लेस करते हैं, उसको रख देते हैं एक इंसुलेटर के ऊपर, ताकि कोई हीट अंदर ना जा सके ना बाहर आ सके। तो सेकंड स्टेप में कार्नोट साइकिल, जो कार्नोट इंजन है उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड होती है, लेकिन किस तरह, कोई अंदर या बाहर जो हीट का ट्रांसफर नहीं होता। देन थर्ड स्टेप आइसोथर्मल कंप्रेशन। हम थर्ड स्टेप के अंदर कार्नोट इंजन को दोबारा उठा के हम रख देते हैं एक हीट सिंक के ऊपर, और अब क्या है, कंप्रेशन हो रही है और हीट जो है वो ट्रांसफर होती है सिंक के अंदर, और उससे क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है उसका इंजन का, इस तरह की टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। एंड सेम लास्ट स्टेप है एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये चार स्टेप में काम करती है, आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो चार स्टेप होता है और सी ऑर्डर में होता है, ठीक है। बात है, पहली बात, जो हमारे पास कार्नोट इंजन होता है वो बनता किस तरह है, हम करते हैं क्या, कार्नोट इंजन के अंदर हम एक इस तरह सिलेंड्रिकल शेप का एक सिलेंडर लेते हैं, समझो एक कंटेनर लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह, और जो सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर है इसकी जो वॉल्स हैं, ये वॉल और जो ये वाली वॉल है, ये वॉल किस तरह उसकी होती है, वॉल बनी होती है इंसुलेटर की, और जो बेस होता है, बेस किसका बना होता है, बेस बना होता है कंडक्टर का। तो जो हमारे पास कार्नोट इंजन है बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जो उसकी वॉल्स होती है बनी होती है इंसुलेटर की, और उसका बेस बना होता है किसका, इसका बेस बना होता है कंडक्टर का, ताकि यहाँ से हीट का फ्लो अंदर पा जा सके। और हीट का फ्लो थ्रू वॉल्स पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, बिकॉज किसकी बनी हुई, बनी हुई इंसुलेटर की। फिर हम प्लेस करते हैं एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस क्यों, हम चाहते हैं एनर्जी लॉस ना हो, आइडियल केस है। तो हमने प्लेस किया एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो ये पिस्टन क्या होगा, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, और जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो अंदर जो गैस, अंदर जो गैस इसके अंदर मौजूद होगी वो क्या होगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। जब ये पिस्टन मूव करेगा तो गैस एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब पिस्टन नीचे मूव करेगा तो गैस कंप्रेस होगी, और क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इस जो हमारा ये कार्नोट इंजन है, इसके वॉल्स और पिस्टन, ये तीनों बने होते हैं इंसुलेटर के, यानी कि इन वॉल्स के और इन पिस्टन के थ्रू कोई भी हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता। जबकि जो कार्नोट इंजन का बेस होता है, ये बेस बना होता है किसका, ये बेस बना होता है कंडक्टर का। तो ये बेस कंडक्टर का होता है, तो जो हमारे पास हीट का ट्रांसफर होगा, अंदर जाएगी हीट, हीट यहाँ से बाहर आएगी, वो थ्रू क्या होगी, वो थ्रू सिर्फ और सिर्फ बेस होगी, ठीक है। तो ये जो ये आपके सामने डायग्राम में चार स्टेप शो किए हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो हम वन बाय वन इन चारों स्टेप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन क्या है, जो कार्नोट साइकिल है उसका पहला स्टेप क्या होता है, उसका पहला स्टेप होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, तो यानी कि क्या होगा, जब थ्रू आउट दिस प्रोसेस जब ये यहाँ एक्सपेंड होगी तो जो टेम्परेचर वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं टेम्परेचर कितना है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, टी एच रहेगा। टी एच कॉन्स्टेंट क्या है, कितना, टी एच, सिंपल में नाम दे टी एच का, आप इसको कुछ और नाम देते हैं। अब होता क्या है, होता है यहाँ पे हम इस केस में, हम यहाँ पे फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हम यहाँ पे जो हमारे पास ये पूरा हीट इंजन है, करंट इंजन है, हम इसको प्लेस करते हैं एक हीट के सोर्स के ऊपर। हम इसको कहाँ रखते हैं, हीट के सोर्स के ऊपर रखते हैं, और बिकॉज बेस किसका बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है, तो सोर्स से हीट अंदर एंटर होती है। तो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम इस इंजन को कहाँ रख देते हैं, इसको हम रखते हैं कहाँ पर, एक हीट के सोर्स के ऊपर। और बिकॉज सोर्स गर्म होती है, हॉट बॉडी है, और ये बेस कंडक्टर है, तो सोर्स से हीट अंदर एंटर होती है इंजन के अंदर थ्रू बेस। तो जो हीट अंदर एंटर हो रही है उसका हमने क्या नाम दिया, क्यू इन का, यानी कि इनपुट है थ्रू बेस, ठीक है। तो क्या होगा, जैसी हीट अंदर इनपुट होगी फ्रॉम सोर्स थ्रू बेस, तो क्या होगा, अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो जब एब्जॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो क्या होगी, बहुत रैपिड हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। जो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, जब हीट को, जो सोर्स सारी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, उनकी मोशन बहुत रैपिड हो जाएगी। और जब उनकी मोशन रैपिड हो जाएगी तो उनका जो कोलिजन होगा, जो उनका टकराव होगा विद द वॉल्स जो कि फिक्स है, एंड विद द पिस्टन जो मूवेबल है, तो कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मॉलिक्यूल जो है वो टकराएंगे जोर जोर से पिस्टन के साथ, तो पिस्टन क्या होगा, कोलिजन की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से पिस्टन क्या होगा, वो ऊपर मूव करेगा, एरो शो करेगा, यहाँ पर पिस्टन क्या होगा, फ्रिक्शन
जो हमारे पास पिस्टन है फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन उसकी जीरो होगी, आइडियल केस है, तो फॉरन जैसी कोलिजन होगी मॉलिक्यूल्स की तो वो क्या होगी, उसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होगी पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन क्या होगा फॉरन ऊपर मूव करेगा, और जैसे मूव करेगा तो ऊपर मूव किया तो क्या हो गया एक्सपेंड हो गया, गैस क्या हो गया अंदर एक्सपेंड हो जाएगी, तो क्या हो रही है यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, तो जो हम सोर्स से हीट दे रहे हैं वो सारी सारी हीट थ्रू कोलिजन इस्तेमाल होगी पिस्टन को मूव करने के अंदर, और कोई भी हीट जो हम सोर्स से दे रहे हैं वो अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स को रख के बैठेंगे नहीं, बल्कि जो सारी सारी हीट हम सोर्स से दे रहे हैं, जो इनपुट हीट आ रही है सोर्स से, सारी सारी इस्तेमाल होगी कहाँ पर, वो सारी सारी इस्तेमाल हो जाएगी वर्डन करने के अंदर, पिस्टन मूव करने के अंदर। तो कोई भी हीट जो सोर्स से आ रही है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बिकॉज कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर नहीं हो रही, और सारी सारी एनर्जी सोर्स से आ रही है वो इस्तेमाल हो रही है पिस्टन को मूव करने में, वर्डन करने के अंदर, इसलिए जो अंदर का टेम्परेचर है मॉलिक्यूल्स का वो क्या रहेगा, वो रहेगा कॉन्स्टेंट, क्या रहेगा वो टीएस रहेगा। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा है तो कैसा प्रोसेस, ऐसा थर्मल, और ये पिस्टन मूव कर रहा है तो क्या है एक्सपेंशन। ठीक है, फिर आ जाए अब ये पिस्टन मूव करके, अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, पिस्टन मूव करके अभी ऊपर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाए, अब ये पिस्टन मूव करके ऊपर आ गया, अब यहाँ यहाँ तक आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाए, नेक्स्ट स्टेप कौन सा, वापस यहाँ पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में क्या होता है, जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर नाउ इन और आउट ऑफ द सिस्टम और इन और आउट ऑफ द इंजन। अब यह कहते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, अब हम जो है इस करंट इंजन को हम क्या करते हैं, हम उसको प्लेस कर देते हैं एक इंसुलेटर के ऊपर। सही, अब हमने क्या किया, यहाँ हमने प्लेस किया था इसको सोर्स के ऊपर, अब हम यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर देंगे, इस इंजन को प्लेस कर देंगे इंसुलेटर के ऊपर। तो उससे फायदा क्या होगा, ना हीट यहाँ से बाहर जाएगी, ना हीट यहाँ से बाहर जाएगी, और बिकॉज नीचे भी इंसुलेटर पड़ा है तो हीट बेसिकली बाहर नहीं जाएगी। तब होगा क्या, हम जो इस सिलेंडर के ऊपर जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, जो सराउंडिंग का प्रेशर होता है, ये बात ध्यान रखें, जो ये बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी है उसके ऊपर एक बाहर से अर्थ का एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा इस पिस्टन के ऊपर, अगर हम किसी तरीके से उस एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, जो बाहर से इस पिस्टन के ऊपर सराउंडिंग का एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा, अगर हम किसी तरीके से उस एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो क्या होगा, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर मॉलिक्यूल ये पिस्टन खुद ब खुद ऊपर मूव करेगा और ऊपर जाएगा, और क्या होगी एक्सपेंशन होगी। और बिकॉज यहाँ पे जो है जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे पिस्टन को ऊपर लेके जाने के लिए बाहर से सोर्स से एनर्जी नहीं मिल रही, यहाँ पे इंसुलेटर रखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए पिस्टन को मूव करने के लिए जो इंजन है जो एनर्जी इस्तेमाल करेगा वो कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करेगा, जो उसके अंदर पहले से क्या थी, स्टोर थी। तो इस केस को देखें, ये केस पहले केस से डिफरेंट है, पहले केस के अंदर हम बाहर से एनर्जी दे रहे थे, बाहर से एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी वर्डन करने के अंदर, अब यहाँ पे बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है बाहर से एनर्जी नहीं आएगी, अब जो भी वर्डन यहाँ पर होगा वो सारा वर्डन क्या होगा, अपने खर्चे पर होगा, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। तो जब यहाँ पे एक्सपेंशन होगी, इस केस में यहाँ से जब एक्सपेंशन होगी और पिस्टन मूव करेगा ऊपर, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मूव करने के लिए, जैसे बोलते वर्डन हो रहा है पिस्टन मूव कर रहा है, वर्डन हो रहा है तो उसकी एनर्जी रिक्वायर है ना, तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी इस पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए, सारी सारी एनर्जी क्या होगी, वो इंजन अपनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा जो उसके अंदर पहले से स्टोर थी। तो बिकॉज अब जो इंटरनल एनर्जी पहले से स्टोर थी अंदर गैस के मॉलिक्यूल के पास इंजन के अंदर, अब इंजन उसी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, उस अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर थी उसको खर्च करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए और उसको ऊपर जाने के लिए। तो बिकॉज यहाँ पर इस केस में इसके अंदर जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल है उनकी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल कहाँ पर हो रही है, वर्डन करने के अंदर इस्तेमाल हो रही है, इंटरनल एनर्जी कम होगी अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की, तो उससे क्या होगा, तो टेम्परेचर वो भी क्या होगा, कम होगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एच से चेंज होगा, कितना हो जाएगा, टी वन हो जाएगा, टेम्परेचर टी एच था अब उससे कम होगा, क्या हो जाएगा, टी वन हो जाएगा। तो क्या क्या हमने एडियाबैटिक के अंदर, हमने बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने रिमूव किया, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, इंटरनल प्रेशर जो है उसकी वजह से पिस्टन को मूव करेगा और वर्डन होगा, पिस्टन मूव करेगा, एक्सपेंशन होगी, वर्डन होगा, लेकिन जो ये मोशन है पिस्टन की, जो ये वर्डन हो रहा है इसका, इसके लिए जो एनर्जी खर्चा होगा वो बाहर से नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसको हमने इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ है, वो सारा खर्चा क्या होगा, अपना ज्यादा खर्चा होगा उसका, ठीक है, तो वो उसका अपना ज्यादा खर्चा होगा, और इसको अपने अंदर मौजूद इंटरनल एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा,
और उससे क्या होगा फिर जो है वो इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो अंदर मौजूद जो गैस के मॉलिक्यूल तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा कम होगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा टी एस से टी वन हो जाएगा। तो ये पिस्टन मूव करके यहाँ से कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब आ जाए थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो अब टेम्परेचर क्या होगा टी एस से टी वन हो गया ना, तो इस प्रोसेस इस स्टेप तक आते आते टेम्परेचर क्या हो गया टी वन हो गया। अब यहाँ प्रोसेस आइसोथर्मल, तो इस प्रोसेस पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, कितना रहेगा टी वन रहेगा, बिकॉज क्या है आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे कंप्रेशन है, पहले स्टेप के अंदर एक्सपेंशन थी, अब यहाँ कंप्रेशन है, अभी उल्टा होगा। अब करेंगे क्या, बिकॉज हम यहाँ पे कम है, यहाँ पे कंप्रेशन करनी है हमें, यहाँ पे वॉल्यूम कम करना है, तो यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर हम इस पूरे इंजन को हम प्लेस कर देंगे कहाँ पर, एक हीट सिंक के ऊपर। अब सिंक हमें लगाएंगे बिकॉज हमें एनर्जी को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हीट सिंक लगा देंगे। तो क्या करेंगे, बाहर से जो है वो समझ लेंगे, यहाँ से जो है हमने सिंक लगा दिया। सिंक क्या होगा, जो सिंक का टेम्परेचर वो कम होगा एज कम्पेयर टू इंजन के, ये हॉट बॉडी होगी और सिंक क्या होगा कूल बॉडी होगी। तो ऑटोमेटिकली हीट क्या होगी, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम इंजन टू सिंक। तो हीट, अब हीट क्या होगी, हीट जो इंजन से बाहर आ रही होगी, सिंक की तरफ आई होगी, सिंक की तरफ। तो ये क्यू क्या है, आउटपुट आउट है, बाहर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे बेस के नीचे हमने सिंक लगा दिया, बेस कंडक्टर है, तो हीट जो है वो थ्रू बेस क्या होगी सिंक में जा रही होगी, बिकॉज सिंक का टेम्परेचर लो होगा एज कम्पेयर टू इंटीरियर ऑफ द इंजन। तो हीट बाहर आएगी, जो हीट बाहर आएगी तो अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद थे उनकी जो है वो एक्साइटेशन कम हो जाएगी, उनका कोलिजन विद द पिस्टन कम हो जाएगा। जब कोलिजन कम हो जाएगा उनका पिस्टन के साथ, तो क्या होगा फोर्स कम एक्सर्ट करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा पिस्टन ऑटोमेटिकली क्या होगा नीचे कंप्रेस होगा, और उससे क्या होगा वर्डन वर्डन होगा, और पिस्टन क्या होगा कंप्रेस होगा। अच्छा, तो बिकॉज सारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर में क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, कितना रहेगा टी वन रहेगा। जो सारी सारी एनर्जी बाहर जाया हो रही है, वो सारी सारी एनर्जी को कंपनसेट कौन कर रहा है, वो कंपनसेट कर रहा है पिस्टन के नीचे आने को, ये कंपनसेट कर रहा है इसको, जो यहाँ पे क्या हो रही है कंप्रेशन हो रही है। देन यहाँ पर आ जाओ थर्ड लास्ट स्टेप के ऊपर, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब हमें मजीद उसको कंप्रेस करना है एडियाबेटिक तरीके से। अगेन मैं इसको प्रेस करूंगा, इस इंजन को प्रेस करूंगा एक इंसुलेटर के ऊपर, बिकॉज एडियाबेटिक है। अब हमने जो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप में जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर को रिमूव किया था इसको ऊपर एक्सपेंड करने के लिए, अब हम वापस एक्सटर्नल प्रेशर को वापस हम यहाँ पे करेंगे, जितना हमने रिमूव किया था हम वापस उतना एक्सटर्नल प्रेशर वापस हम क्या करेंगे ऊपर से एग्जर्ट कर देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर सराउंडिंग का। तो इससे होगा क्या, जब ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर आएगा इस पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन ऑटोमेटिकली नीचे मूव करेगा, सही है। अब नीचे इंसुलेटर रखा हुआ है तो हीट को बाहर जाने की जगह नहीं है, पिस्टन नीचे मूव किया, कंप्रेशन हुआ, मॉलिक्यूल करीब आए, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा टी वन से दोबारा क्या हो गया टी एच हो गया, बिकॉज जितना हमने पहले प्रेशर रिमूव किया था हमने वापस उतना ही प्रेशर वापस हमने क्या किया एग्जर्ट किया। तो यहाँ पे कंप्रेशन हुई, अब कंप्रेशन होने के बाद अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टी वन से दोबारा कितना हो जाएगा वो टी एच हो जाएगा। तो नोट करें हमने इसको स्टार्ट किया था एट द टेम्परेचर टी एच, और हमने इसको वापस एंड किया कहाँ पर, उसी जगह पे एट द टेम्परेचर टी एच। तो हम वापस घूम के उसी पॉइंट पर आ गए, उसी साइकिल पर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, जो टेम्परेचर शुरू में था वही टेम्परेचर साइकिल के एंड पर है, तो मतलब क्या है इसके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, हमने एक आइडियल कंडीशन ली है। तो जो ये क्या है करंट साइकिल है, हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है, हमने जिस टेम्परेचर पर स्टार्ट किया है वापस उसी पॉइंट पर आ गए, उसी टेम्परेचर पर आ गए, और कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो ये क्या है करंट साइकिल है। फिर इस साइकिल को हम शो करते हैं ग्राफ से। तो ये वही डायग्राम यहाँ पर चारों स्टेप दोबारा बने हुए हैं यहाँ पर आपके आसानी समझने के लिए। फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो जो कर्व है ए बी, आपको याद होगा जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमने वहां पे पढ़े थे कि अगर हमारे पास आइसोथर्मल होगा उसका कर्व किसका बनेगा, और अगर एडियाबेटिक होगा उसका कर्व किसका बनेगा। जो ए बी है, ए बी जो है ये शो कर रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन को, और जो बी सी का कर्व है ये शो कर रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन को। तो ये वॉल्यूम है हमारे पास और ये प्रेशर है, ठीक है। नोट करें यहाँ पे एक्सपेंशन है, वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जो प्रेशर है अंदर का क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो देखें ये कर्व, देखें प्रेशर क्या हो रहा है, ये कर्व नीचे जा रहा है, प्रेशर जो है हल्का सा डिक्रीज हो रहा है, और जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। हम नीचे जा रहे हैं, कर्व नीचे जा रहा है और आगे जा रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ए बी, इस स्टेप के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। देन सेकंड बी सी सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो अगेन एक्सपेंशन हो रही है, तो
अब बिकॉज यहाँ पे सेकंड केस में जो है खर्चा अपना हो रहा था ना, अपनी एनर्जी समान हो रही थी, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा इस केस में। जब यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर है बिकॉज इसको अंदर खुद से खर्चा करना पड़ा है एक्सपेंशन करने के लिए, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत कम हो रही है खुद जो अंदर स्टोर थी, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्रेशर जो है, जो प्रेशर डिक्रीमेंट है, यह प्रेशर डिक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत रैपिड नहीं हो रहा। जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पर काफी रैपिड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक्सपेंड हुआ था बाहर के खर्चे पे, बाहर की नजीब है, तो वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड हुआ था। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ था अपने अंदर अंदर एनर्जी खर्चे पे, अपने एनर्जी का खर्चा खुद करना पड़ा था, तो यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन कम हुआ है, तो यहाँ वॉल्यूम का एक्सपेंशन क्या हुआ, थोड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रेशर रैपिडली डिक्रीज हुआ है। अब आ जाए वापस कंप्रेशन की तरफ, सी सी डी क्या, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो वापस क्या जाएंगे, आइसोथर्मल या आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, वापस क्या जाएंगे, कंप्रेशन, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होगा, अंदर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब देखिए वापस पीछे जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। देन लास्ट डी से ए वापस आ जाए उसी पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा, वॉल्यूम अगेन कंप्रेशन है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा रैपिडली। तो एडियाबेटिक केस में प्रेशर रैपिडली इंक्रीज होता है, और आइसोथर्मल के अंदर वॉल्यूम रैपिडली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, हम घूमते गए बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, वापस कहाँ पर आ गए, पॉइंट ए पे आ गए, तो पूरी एक साइकिल क्या हो गई, वो फॉर्म हो गई। यहाँ ए सी बी में इनपुट हीट आ रही है क्यू एच, सी सी डी में हीट बाहर जा रही है सिंक के अंदर कितनी क्यू एल, जो बी सी सी है ये भी एडियाबेटिक है, डी से ए भी एडियाबेटिक है, तो यहाँ पर कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। दो आइसोथर्म है हमारे पास, एक ही आइसोथर्म है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला, यहाँ टेम्परेचर कितना है टी एच है, और एक आइसोथर्मल ये वाला है, आइसोथर्मल कंप्रेशन वाला, यहाँ टेम्परेचर कितना है टी एल, दो आइसोथर्म है, एक टी एल वाला आइसोथर्म है और एक टी एच वाला आइसोथर्म है, यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टी एच है और यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टी एल है। लास्ट आते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन पे, हमने इसको डिस्कस किया स्टार्ट में, एफिशिएंसी आते हैं, तो एफिशिएंसी सिंपल क्या होती है, रेशियो होती है आउटपुट का और इनपुट का, और उसको शो करते हैं इस साइन से, ये ईटा की तरह साइन होती है, ईटा का साइन होता है, इसको बार लगाया हुआ है, बार ना लगाए ना लगाए मर्जी, या किसको ईटा से शो करते हैं, और बाज बुक में इसको ई से भी शो करते हैं, नॉर्मली इसको शो करते हैं सैम्बल ईटा से। तो एफिशिएंसी मतलब ईटा, सैम्बल उसका इक्वल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट के। आउटपुट जो इंजन, अब यहाँ बात करें नॉर्मल एक आम इंजन की, जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वर्डन होता है, जब इंजन का आउटपुट क्या होगा, वो हमें क्या काम करके दे रहा है, तो आउटपुट क्या होता है, वर्डन होता है, और इनपुट क्या होता है, वो हीट जो कहाँ से आ रही है, सोर्स से आ रही है। तो इनपुट आउटपुट क्या है, वर्डन। तो यहाँ पे हम इस केस में यहाँ जो डायरेक्शन ले रहे हैं, हमने लेट सपोज किया है कि जो ये वो डायरेक्शन जो आपके पास नोट्स के अंदर है, तो हमने उसी या मैं उसी को शो कर रहा हूँ, उसी वेरिएबल को शो कर रहा हूँ जो आपके नोट्स के अंदर है। हमने लेट सपोज किया जो इनपुट है वो क्या है, क्यू वन, यहाँ पे इनपुट को हमने शो किया है, जो इनपुट आ रहा है, जो सोर्स एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, उसको हम शो किससे कर रहे हैं, क्यू वन से। आप चाहे उसको क्यू एच लिख लें, आपकी मर्जी होती है, आप वेरिएबल क्या ले रहे हैं आपकी मर्जी होती है, लेकिन आप उसको मेंशन, जब डायरेक्शन करेंगे तो उसको लाजमी मेंशन करेंगे कि वेरिएबल क्या लिया हमने। तो ये मैंने इनपुट दिया है क्या, क्यू वन, जो एनर्जी सोर्स से आ रही है वो क्यू वन लिया है, आप चाहे तो उसको क्यू एच लिख लें, उससे मसला नहीं है, लेकिन उसको मेंशन लाजमी करेंगे डायरेक्शन के अंदर। और जो हीट ज़ाया हो रही है, जो हीट लॉस हो रही है, उसको हम शो कैसे करें, क्यू टू से, आप चाहे तो उसको क्यू एल ले लें। तो जो हीट सिंक, जो हीट सोर्स से आ रही है इनपुट, उसको नाम दिया हमने क्यू वन का, और जो हीट सोर्स में जो सिंक में जा रही है, जाया हो रही है, उसको नाम दिया हमने किसका, Q2 का, और वर्डन के W। तो इनपुट जो हीट सोर्स से आ रही है वो Q1 है, तो सोर्स की जो हीट सोर्स से आ रही है उसमें से वो हीट में माइनस कर दूँ जो जाया हो रही है, Q1 माइनस Q2 कर दूँ, जो हीट सोर्स से आ रही है उसमें वो हीट माइनस कर दूँ जो जाया हो रही है, जो सिंक में जा रही है, तो क्या आ जाएगा, वर्डन आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या हमारे पास, वर्डन है, इनपुट क्या हमारे पास, Q1 है। ठीक है, और वर्डन किसकी इक्वल है, वर्डन इक्वल है क्यू वन माइनस क्यू टू के, इसकी वजह मैंने यहाँ पुट की है, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन इनपुट क्या हमारे पास, क्यू वन के। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से देखें, मैं इसको ब्रेक कर लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, क्यू वन से क्यू वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, मैं इसको सब लिख सकता हूँ इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन को ब्रेक कर लूँ तो क्यू वन से क्यू वन कैंसिल हो जाएगा और क्यू टू अपॉन क्यू वन इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसका, एफिशिएंसी का। लेकिन अगर मुझे इसी एफिशिएंसी को, ये सिंपल एफिशिएंसी है नंबर्स के अंदर, अगर मुझे बोला जाए एफिशिएंसी निकालो परसेंटेज के अंदर, अगर आपसे सवाल आपसे एग्जाम में आए कि एफिशिएंसी मालूम करो परसेंटेज के अंदर, तो सिंपल तरीका क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए परसेंटेज एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी निकालो परसेंटेज के अंदर, तो आप सिंपल ये करेंगे, आप इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हंड्रेड से।
तो अगर इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो एफिशिएंसी किसमें आ जाएगी, परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो जब अक्सर पूछा जाता है परसेंटेज एफिशिएंसी निकालो, तो जब एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालेंगे आप तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बोले जाए सिंपल एफिशिएंसी निकालो, फॉर्मूला ये होगा। बोले जाए एफिशिएंसी निकालो परसेंटेज के अंदर, फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा। बाकी हमें मालूम है कि ये बात पढ़ चुके, मालूम है कि जो रेशो होता है हीट लॉस टू कोल्ड बॉडी हीट सप्लाइड का, वो इक्वल होता है रेशो ऑफ कोल्ड बॉडी एंड हॉट बॉडी टेम्परेचर का। ये बात हम रखें, थर्मोडायनेमिक्स लॉ ये कहते हैं कि जो हीट है जो लॉस हो रही है कोल्ड बॉडी के अंदर, और जो हीट है जो सोर्स आ रही है, अगर मैं दोनों का रेशो लूंगा तो रेशो इक्वल होता है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी के। तो जो रेशो होता है Q2 हीट जो सॉरी हाँ Q2 और Q1 का, वो इक्वल होता है T2 और T1 के। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं Q2 हीट वो जो लॉस हो रही है सिंक के अंदर, और T2 जो है वो टेम्परेचर होगा किसका, सिंक का कोल्ड बॉडी का। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन का 2 इस्तेमाल कर रहे हैं शो करने के लिए सिंक को कोल्ड बॉडी को। और यहाँ पे Q1 जो है हम इस्तेमाल करेंगे हीट जो सोर्स से आ रही है हॉट बॉडी सोर्स से जो हीट आ रही है, और हम T1 को इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर ऑफ सोर्स हॉट बॉडी का। तो यहाँ इस पूरी डायरेक्शन के अंदर हम 2 को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 2 है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट हॉट बॉडी सॉरी कोल्ड बॉडी यानी सिंक, और 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट हॉट बॉडी यानी के सोर्स। तो बिकॉज Q2 प्रोपोर्शन होता है T2 के, Q1 प्रोपोर्शन होता है T1 के, तो मैं फॉर्मूले को लिखना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो हमारा सिंपल क्या बन जाएगा, 1 - C2 / T1, और अगर एफिशिएंसी के अंदर है तो साथ ही आ जाएगा मतलब 100। तो जो हीट है लॉस हो रही है सिंक के अंदर, वो प्रोपोर्शन होती है सिंक के टेम्परेचर से। जो हीट आ रही है सोर्स से, वो प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर ऑफ सोर्स के। तो Q2 प्रोपोर्शन होता है T2 के, और Q1 प्रोपोर्शन होता है T1 के। तो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ हीट, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो फॉर्मूला सिंपल क्या बन जाएगा, समझ जाएगा Q2 प्लस हो जाएगा T2 से, और Q1 प्लस हो जाएगा T1 से। और अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये 100 से, ठीक है। थैंक यू जी।